बड़ी खबर का रुख करते हैं। नीट के नतीजों की घोषणा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने जो रोक लगाई थी नीट के नतीजों को घोषित किए जाने पर, उस रोक को हटा दिया है। 12 लाख देश में अभ्यर्थी इससे सीधे प्रभावित होते हैं जो कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, कितनी जल्दी अब नतीजे घोषित हो सकेंगे? देखिए, बड़ी राहत मिली है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रोक लगा दी है जिसने कोर्ट में नीट के रिजल्ट को घोषित करने पर रोक लगाई थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी हाई कोर्ट नीट 2017 से संबंधित किसी भी याचिका को एंटरटेन नहीं करेगा। यानी अगर नीट 2017 के खिलाफ कोई याचिका दाखिल की जाती है तो उस पर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। इसका मतलब तय है आचल कि बहुत जल्द अब नीट के परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो खबर है जो देश भर के छात्रों को, जो खास तौर से मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला लेना चाहते हैं, उनको सीधे तौर पर प्रभावित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है, उसके नतीजे अब जल्द घोषित होंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।